सरसों के अच्छे दाम को देखते हुए इस बार सरसों की बुवाई में भारी वृद्धि की उम्मीद है। देश के सबसे बड़े सरसों उत्पादक प्रदेश राजस्थान में इस साल इसके रकबे में जबरदस्त उछाल आया है। यहां रबी सीजन में बुवाई के कुल क्षेत्र का करीब 33% हिस्सा सरसों का ही होने का अनुमान है। राज्य में रबी सीजन के दौरान आमतौर पर 95 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुवाई होती है, जबकि इस वर्ष सितंबर महीने में अच्छी बारिश की वजह से इसे 1 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचने का अनुमान है। सरसों एवं चने की बुवाई अधिक क्षेत्र में हुई है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य में सरसों का क्षेत्र औसतन 27 लाख हेक्टेयर रहता था, जिसे इस वर्ष बढ़कर 33 लाख हेक्टेयर तक पहुंचने का अनुमान है। बता दें कि देश के कुल सरसों उत्पादन का 40.82% अकेले राजस्थान पैदा करता है। यहां इसके एरिया में 6 लाख हेक्टेयर की वृद्धि से कृषक वैज्ञानिक भी खुश हैं। राजस्थान के अलावा जिन राज्यों में सरसों की खेती होती है उनमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। हरियाणा में देश का करीब 13.33% सरसों पैदा होती है। मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 11.76% की है, जबकि उत्तर प्रदेश 11.40% और पश्चिम बंगाल कुल उत्पादन में 8.64% का योगदान देता है। बताया गया है कि इन सब में बुआई के क्षेत्र में वृद्धि भी हुई है। देश में सरसों की बुआई का सामान्य एरिया 61.55 लाख हेक्टेयर है। रबी सीजन 2020-21 में 65.97 लाख हेक्टेयर में इसकी बुआई हुई थी, जबकि 2021-22 में इसे बढ़कर 81.66 लाख हेक्टेयर तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी इस बार इसकी बुआई क्षेत्र में 15.69 लाख हेक्टेयर की वृद्धि का अनुमान है। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR में सहायक महानिदेशक का कहना है कि दो कारणों से सरसों की फसल की बुआई में वृद्धि दिख रही है। पहला फैक्टर दाम है और दूसरा अच्छा मौसम। मध्य दिसंबर आ गया है, लेकिन अब तक हर जगह से अच्छी फसल की खबर आ रही है। कहीं कीटों का प्रकोप नहीं है। सितंबर के अंतिम और अक्टूबर के पहले सप्ताह में अच्छी बारिश की वजह से फसलों का दायरा बढ़ा है। कई जगहों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से करीब डबल दाम पर सरसों की बिक्री भी हुई है। इसलिए कुछ राज्यों में भारी बारिश की वजह से एक बार बुआई प्रभावित होने के बाद किसानों ने दूसरी बार फिर सरसों की बुआई की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।